अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कलेजी बनाने की रेसिपी बताऊँगी। हमारे घर अमूमन जो है वो सबसे पहले बकरीद में कलेजी बनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। इसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने कलेजी लेंगे हम आधा किलो, जिसको मैंने आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे ऑयल, ऑयल मैं हसब ज़रूरत लूँगी जो कि मैं आपको बाद में बता दूँगी। और प्याज मैंने जो है वो काट लिए हैं मोटे मोटे, दो नॉर्मल साइज़ के। टमाटर का पेस्ट लेंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई 2 तकरीबन। अदरक का पेस्ट मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच और साबुत जो है वो लहसुन ले रही हूँ 9 से 10 जवे। हल्दी मैं 1/4 छोटा चम्मच लूँगी, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, सूखा धनिया 1 बड़ा चम्मच लूँगी, लौंग 6 से 7 के बराबर ले रही हूँ मैं, काली मिर्चें मैंने तकरीबन 12-13 ली हैं, 1 इलायची ली है और दालचीनी मैंने ली है तकरीबन आप देख सकते हैं अंदाजे के मुताबिक थोड़ी सी ली है। अब हमने एक प्रेशर कुकर लेना है, उसमें प्याज डाल देने हैं, कलेजी और टमाटर का पेस्ट, लहसुन भी डाल देना है और तमाम मसाले भी डाल देने हैं। और इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 गिलास के बराबर जो है वो पानी डाल दिया है, 1 से 1.5 गिलास बस। और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे प्रेशर दे देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक इसको प्रेशर देते हैं उतने में हम हदीस पढ़ लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में ज़रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। एक आदमी ने कहा इंसान चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसके जूते अच्छे हों, तो आप ने फरमाया अल्लाह खुद जमील है और वो जमाल को पसंद कर फरमाता है। तकब्बुर यानी हक़ को कबूल ना करना और लोगों को हकीर समझना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए, आमीन। 10 से 12 मिनट मैंने प्रेशर देने के बाद थोड़ी देर इसे रख दिया था और अब मैंने खोला है तो आप देख सकते हैं ये पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए बीच में और कलेजी जो है वो गल चुकी है। अब मैंने नीचे फ्लेम ऑन कर ली है और इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप के बराबर जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसे भूनेंगे तकरीबन जब तक जो है वो ऑयल साइड पे ना आ जाए। 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं भूनते हुए, तो मैंने अब इसमें अदरक ऐड कर लिया है। ऑयल जो है वो साइड पे आ चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है और इन्हें मिक्स करना है, सही से हलाना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे भूनती जाऊंगी थोड़ी देर और। फ्लेम जो है वो मैंने लो कर ली है। ये देखें, आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है कलेजी बनके। इसी तरह की जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी बनी है। लुक आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो तकली है, बल्कि सरगली सरगली सी मसाला इसमें मौजूद है। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है, नरम सी और जायके में तो बहुत ही मज़े की है और लीमू निचोड़ के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।